कहते हैं इस दुनिया में हर शेर का सवा शेर मौजूद है। जैसे मगरमच्छ, जिन्हें पानी में किसी शिकारी से डर नहीं लगता, उन्हें पाइथन से डर लगता है। आसमान के सबसे बड़े बादशाह बाज होते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही ये बादशाहत उल्लू के सामने फीकी पड़ने लगती है। शेर जो अपनी ऐस परस्त जिंदगी के लिए जंगल का राजा कहलाता है, हाइना का झुंड उसे भी मात दे सकता है। हालांकि मरीन लाइफ लैंड लाइफ से काफी अनोखी और अलग है, लेकिन कुछ नियम दुनिया के सभी छोर के लिए एक जैसे हैं। अगर आप सोचते हैं कि समुद्र की दुनिया का असली मालिक शार्क है और इस टॉप प्रेडेटर के सामने किसी जीव की नहीं चलती, तो आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये सच है कि व्हाइट शार्क सबसे घातक मरीन एनिमल्स में से एक है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि समुद्र में इसे बिना किसी समस्या के कहीं भी घूमने की आजादी है। समुद्र में ऐसे भी जीव हैं जो इनसे टक्कर लेने का साहस रखते हैं, और इस जीव को उन खतरों से बचकर रहने की जरूरत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र की दुनिया का असली बादशाह कौन है, बाकी वेल्स आखिर क्यों किलर वेल्स के सामने फीकी पड़ जाती हैं, किलर वेल्स को समुद्र में सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है, आखिर कौन सा जीव है जो इस शिकारी मरीन एनिमल को टक्कर दे सकता है, और ऐसे कौन से हिडन फीचर्स हैं जो किलर वेल्स को सबसे अलग बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोग आज भी मरीन वर्ल्ड में शार्क को टॉप प्रेडेटर के रूप में देखते हैं, जो फूड चेन में अपनी दावेदारी सबसे ऊपर रखती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये विचार कितना सही है? तथ्यों पर नजर डालें तो समुद्र की दुनिया का सच्चा शासक किलर वेल्स को कहा जाता है। किलर वेल्स का नाम वेल से जरूर जुड़ा है, लेकिन हैरानी की बात है कि ये जीव डॉल्फिन के परिवार से संबंध रखते हैं। इस बात पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है कि एक तरह से डॉल्फिन जैसे प्यारी जानवर पूरे समुद्र पे अपना दबदबा बनाए हुए है। किलर वेल्स को कुछ लोग ऑर्कास के नाम से भी जानते हैं। ये जीव मरीन वर्ल्ड की सबसे क्रूर शिकारियों में से एक है। अपने काले और सफेद पैटर्न की वजह से आसानी से पहचाने जाने वाली ये शिकारी मछली उतनी भी प्यारी और भोली नहीं है जितनी की क्लिप पे दिखाई दे रही है। विशाल और क्रूर होने के साथ ही ये भेड़ियों की तरह झुंड में शिकार करती है, और इसके रास्ते में आने वाले सभी मरीन एनिमल्स को अपना शिकार बनाती है। सील और शार्क से लेकर वेल्स तक सभी मरीन एनिमल्स इसके फूड चेन में शामिल है। ये जीव कोई मामूली शिकारी नहीं होते, बल्कि अपने भोजन को पाने के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। अपने हर शिकार को मारने के लिए इनके पास एक योजना होती है जिस पर ये काम करते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जो कैलिफोर्निया के कोस्ट से रिकॉर्ड की गई है। इस क्लिप में किलर वेल्स ग्रेट व्हाइट शार्क को अपना शिकार बनाती नजर आ रही है। इन दोनों जीवों के बीच हुए घमासान में वेल्स बड़ी आसानी से जीत जाती है, और शार्क के शरीर से लीवर खाकर पूरे शरीर को ऐसे ही छोड़ देती है। इस तरह का व्यवहार किलर वेल्स में काफी आम है। हमें ऐसे कई मामले मिले हैं जहां ऑर्कास व्हाइट शार्क के केवल लीवर को खाकर शरीर को ऐसे ही समुद्र में छोड़ देती है। ये तस्वीरें दिखने में काफी खौफनाक हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि ये जीव बेहद ही होशियार और भयानक जानवर है, जो जानती है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इन जीवों को किलर वेल्स क्यों कहा जाता है? मरीन लाइफ में ऐसे कई शिकारी हैं जो अपने शिकार को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर इस मरीन एनिमल को इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? क्या किलर वेल्स के पास कोई स्पेशल फीचर है जिससे वो अपने आसपास के सभी जीवों को मार रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल डॉल्फिन और वेल एक दूसरे से काफी करीबी से जुड़े हुए हैं। ऑर्कास को किलर वेल्स का नाम एंशिएंट सेलर्स द्वारा दिया गया था। प्राचीन समय में समुद्र में यात्रा करने वाले सेलर्स ने जब इस मछली को विशाल वेल्स को अपना शिकार बनाते हुए देखा, तो इसकी हंटिंग स्किल्स और टैक्टिक्स को देखकर उन्होंने ऑर्कास को असेसिना बेलेंस या वेल किलर कहा, और इस शब्द को वक्त के साथ साथ फ्लिप करके किलर वेल्स कर दिया गया। हालांकि आज भी इन्हें इसी नाम से बुलाया जाता है, लेकिन ये भी सच है कि किलर वेल्स सच में ऐसे शिकारी हैं जो मरीन वर्ल्ड में वेल जैसे बड़े शिकारियों को भी डरा कर रखते हैं। वेल्स पर हमला करने के लिए ऑर्कास एक खास रणनीति को चुनती है। जिस वेल को ऑर्कास टारगेट करते हैं, उसे ये तीन तरफ से घेर कर बाइट करने और टक्कर मारने की कोशिश करते हैं। ऐसा ये तब तक करते हैं जब तक कि शिकार पूरी तरह से थक नहीं जाता। एक बार ऊर्जा खत्म होने पर ये वेल्स को ब्लॉक करने की कोशिश करती हैं, ताकि वो सांस न ले सके। घंटों चली इस लड़ाई के अंत में वेल्स कदम घुटने की वजह से मौत हो जाती है, और ये शिकारी उसे पानी में डुबो कर अपना भोजन बना लेती है। खैर, ये तो रही एक नॉर्मल वेल की बात, लेकिन ये शिकारी समुद्र की सबसे बड़ी मछली यानी कि ब्लू वेल पर भी हमला करने से कतराती नहीं है। यहाँ तक कि जायंट ब्लू वेल भी किलर वेल से दुश्मनी मोल लेने से बचती है। जरा सोचिए, 5 से 6 टन की ये टूथेड डॉल्फिन्स 190 टन की ब्लू वेल्स पर भी अपना दबदबा बनाए रखने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किलर वेल्स ज्यादातर कौन सी वेल्स को अपने शिकार के तौर पर चुनती हैं? दरअसल ये जीव बेबी वेल्स को अपने टारगेट के रूप में देखते हैं। तथ्यात्मक तौर पर देखें
तो बेबी वेल्स भी इन टूथेड डॉल्फिन से आकार के मामले में ज्यादा बड़ी होती हैं। लेकिन झुंड में शिकार करने की वजह से किलर वेल्स बाजी मार जाते हैं। बेबी वेल्स के साथ लड़ाई में ऑर्कास का जीतना इतना कॉमन है कि समुद्र में कई ऐसे मामले पाए जाते हैं जहां बेबी वेल्स को दूसरी प्रजाति के वेल्स को भी सुरक्षित करते हुए देखा गया है। उदाहरण के तौर पर एक हम्पबैक वेल को ग्रे बेबी वेल को बचाते हुए पाया गया है, जिसे किलर वेल पहले ही मार चुकी थी, लेकिन फिर भी ये जीव किलर वेल को उसे भोजन के तौर पर खाने से रोक रही थी। शायद इसीलिए क्योंकि हम्पबैक वेल जानती थी कि इस छोटे से बेबी वेल के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि हम्पबैक वेल और बेबी हम्पबैक को किलर वेल अपने सबसे प्रिय भोजन के रूप में देखते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिकारी पूरी हम्पबैक वेल को खाने की बजाय केवल उसकी जीभ को खाते हैं और बाकी शरीर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि ये शिकारी अपने मील को लेकर कितने चूजी हैं। इन्हें केवल वही चाहिए होता है जो उन्हें सबसे स्वादिष्ट लगता है। ये केवल हमें वेल और शार्क के मामले में देखने को नहीं मिलता, बल्कि किलर वेल जब दूसरे मरीन एनिमल का शिकार करते हैं तो वो इसी तरह किसी विशिष्ट हिस्सों को खाकर पूरे शरीर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सबसे जरूरी और बड़ी बात यह है कि ये जीव सभी समुद्री जीवों में अपना दबदबा बनाने में इसीलिए कामयाब रहते हैं क्योंकि ऑर्कास अपने शिकार के आधार पर बार बार अपनी रणनीतियों को बदलते रहते हैं और केवल उन बॉडी पार्ट्स को ही प्राथमिकता देते हैं जो उन्हें खाने के लिए सबसे ज्यादा योग्य, न्यूट्रिशंस या आसान लगती है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या मरीन वर्ल्ड में एक भी ऐसा जीव नहीं है जो इस प्रीडेटर के खिलाफ बगावत कर सके और इनके भीतर मरने का खौफ पैदा कर सके। बाकी वेल से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन स्पर्म वेल एक ऐसी प्रजाति है जो शायद इस शिकारी को मात देने की ताकत रखती है। स्पर्म वेल वेल की एक ऐसी प्रजाति है जिसे इसके बड़े सिर से स्पॉट किया जाता है। इसका सिर शरीर की लंबाई से एक तिहाई हिस्सा होता है। टूथेड वेल्स में ये प्रजाति सबसे बड़ी होती है। इसके शरीर की लंबाई 24 मीटर तक होती है और ये 50 टन वजन तक की होती है। इस जीव की सबसे जरूरी और अनोखी फीचर है इसकी 4 मीटर लंबी पूंछ, जो काफी मजबूत होती है। समुद्र की दुनिया में इस लंबी और ताकतवर पूंछ के बल पर ही स्पर्म वेल ऑर्कास के खिलाफ लड़ने में सक्षम होती है। हालांकि किलर वेल्स मादा स्पर्म वेल्स और उनके बेबीज को अपना भोजन बनाने से कतराते नहीं है, लेकिन ये जीव मेल स्पर्म से पंगे नहीं लेते। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेल स्पर्म वेल की पूंछ में इतनी ताकत होती है कि वो एक किलर वेल को बुरी तरह घायल कर सकता है, लेकिन इनका इंटेलिजेंस लेवल काफी कम होता है और यहीं पर ये मात खा जाते हैं। होशियारी और क्रूरता दो ऐसे गुण हैं जो हमें किलर वेल के अलावा ग्रेट व्हाइट शार्क में देखने को मिलते हैं। हालांकि ग्रेट व्हाइट शार्क ऑर्का से आकार में छोटी होती है, लेकिन जब ये दोनों जीव आमने सामने आते हैं तो लड़ाई टक्कर की होती है। ऑर्कास और ग्रेट व्हाइट शार्क की लड़ाई आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। किलर वेल एकमात्र शिकारी है जो व्हाइट शार्क को अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन इस जीव के दांत बहुत पैने और ताकतवर होते हैं। अगर एक व्हाइट शार्क पहले किलर वेल पर हमला करे तो उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। किलर वेल्स अपने शिकारियों को काफी अच्छे से जानती हैं। वो शार्क को बाइट करने का मौका नहीं देती। एक किलर वेल अपनी पूंछ के इस्तेमाल से पहले शार्क को पानी में नीचे की तरफ धकेलती है और फिर दूसरी किलर वेल को उल्टा करके उस पर हमला करती है, ताकि शार्क को जवाबी कार्रवाई का मौका ही ना मिले, क्योंकि अगर एक बार भी गलती से किलर वेल शार्क के जबड़े में आई तो उसे भी चोट पहुंच सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि किलर वेल्स की दिमागी रणनीति के खिलाफ उतर पाना मरीन वर्ल्ड के बाकी जीवों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि वेल्स की सभी प्रजातियां इस सदस्य से दूरी बनाना ही बेहतर समझती हैं। तो दोस्तों ये थी किलर वेल्स की कुछ ऐसी खूबियां जो इस बात को साबित करती हैं कि ये जीव स्मार्ट हैं, समझदार हैं, फुर्तीली हैं, इंटेलिजेंट हैं और मरीन वर्ल्ड में इनका अलग ही स्वैग है। तो दोस्तों आपकी नजर में समुद्र का बादशाह कौन है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।